प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारमहू लोकसभा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के समर्थन में होने वाली जनसभा में भाग लेने दोपहर 12:15 पर धार के पीजी कॉलेज के सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेताओं ने आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि धार की लोकसभा सीट में मऊ विधानसभा भी जुड़ी है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म स्थली है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच की शुरुआत में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हुए कहा कि यह तो बाबा साहब अंबेडकर का सही संविधान है, जिसके कारण मेरे जैसा व्यक्ति आज इस पद पर पहुंच पाया, वरना यहां तो एक ही परिवार का राज चल रहा होता। बाबा साहब का संविधान ही था जिसने नाम डाल को बैठक कामदार को बैठा दिया, और इसलिए कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का संविधान में बहुत कम योगदान था, संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका पंडित नेहरू की थी। क्या यह बात किसी के गले उतर सकती है? पीएम मोदी ने कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इन परिवारवादियों ने देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा तथा अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए झूठा इतिहास रचा। पीएम मोदी ने सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में विपक्ष फर्स्ट स्टेज पड़ गया था, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग में विपक्ष त्रस्त हो गया, और आज चल रहे तीसरे चरण की वोटिंग में विपक्ष के जो टीम टिमाते तारे नजर आ रहे हैं वह भी आज पस्त हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि यदि इस चुनाव में मोदी सरकार को 400 से अधिक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस ईडी गठबंधन कश्मीर से धारा 370 वापस ले लेगा तथा ईडी गठबंधन अयोध्या में बने श्री राम मंदिर पर भी बाबरी ताला न लगा दे तो इसका ध्यान रखना होगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहाँ तक पहुँचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया, और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले, इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था, ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताएं भी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी अब जानता है कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया, और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का एक परिवार
बाबा साहब आम्बेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का अवसर मिला। साथियों, हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। Subscribe now to most exciting channel ever.